वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले के पिथौरा सीपीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल से संभाग स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में जोश और उत्साह के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, जहां देशभक्ति नारों के साथ रैली निकाली गई। वहीं तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और शिक्षकों ने भाग लिया। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 9 से लेकर 6 अगस्त तक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कई अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सभी को मैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पिथौरा प्राचार्य एमडी प्रधान, आज जो है 75 साल पूर्ण, आजादी के 75 साल पूर्ण होने के पश्चात जो है पूरे भारतवर्ष में जो है तिरंगा यात्रा अभियान जो है शुरू किया गया है, और हमारे इस विद्यालय में भी बच्चे, शिक्षक सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। काफी उत्साह है उनमें जो है, देश प्रेम और इस आजादी का जो है अमृत काल, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो काफी उत्साह और जो है उसमें खुशी का माहौल है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आजादी के अमृत महोत्सव काल में भारत सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाना है। इसी के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में कलेक्टर महोदय महासमुंद के आदेश एवं सीओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में पूरे पिथौरा ब्लॉक में सभी जगह पे 9 थीम के आधार पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आज हम लोग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा के इस प्रांगण में हैं, जहां पे तिरंगा रैली निकाली जा रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के सभी बच्चे आज तिरंगा रैली में शामिल हो रहे हैं और देशभक्ति के इस माहौल में सभी काफी उत्साहित हैं। ये शासन के निर्देशन का जिला प्रशासन के स्वतंत्रता सप्ताह 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जैसे अपना यात्राएं हैं, तिरंगा यात्रा और तिरंगा रैली निकलेगा, उसी प्रकार से प्रतिज्ञा होगी और अन्य श्री कार्यक्रम जो है सप्ताह भर चलेंगे और इस प्रकार से कार्यक्रम।